Welcome back to the next video of Little Scholars by Futurizing Your Own Abilities. Friends, हम बना रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट ऑफ मोशन. थर्ड पार्ट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि आज हम लोग बना रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स सेशंस ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन. अभी तक दो वीडियोस अपलोड हुई ऑन न्यूमेरिकल सेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. नाउ दिस इज पर्टिकुलरली द थर्ड वीडियो. ठीक है, राइट. तो थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं क्वेश्चंस का और आप लोगों के साथ डिस्कशंस करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. एक लेवल ऊंचा लेके जाऊंगा आज मैं क्वेश्चंस का आपके लिए. ये तीसरा सेशन चल रहा है और इसके बाद हम लोग चौथे सेशन के अंदर नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. ठीक है गाइस, उससे पहले अभी अभी पर्टिकुलरली सीबीएसई की डेट शीट रिलीज हुई है क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए. और साथ में कल एक नोटिफिकेशन और आया है, परसों इवनिंग में आया था, कि जितने भी एग्जाम्स बचे हैं ये आपके अपने स्कूल में ही कंडक्ट किए जाएंगे. पर्टिकुलरली कोई दूसरा सेंटर, जैसे कि अभी तक हम सेंटर्स के ऊपर एग्जाम देने जाते थे, ठीक है, तो वो वाली कहानी नहीं होगी. ठीक है, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इन एग्जाम्स के लिए ही सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दिया है कि आपको अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स के अंदर ही एग्जाम्स देने हैं. ठीक है दोस्तों, एक और चीज मैंने जो परसों वीडियो आप लोगों के सामने रिलीज किया था, जहां पर हमने कहा था कि हम कुछ नया कुछ बड़ा आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं एंड इट इज फ्रॉम 1st of June. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वो चीज भी आप लोगों को काफी पसंद आएगी. ठीक है, और वो सबके लिए है, ऐसा पर्टिकुलरली 9th-10th के लिए नहीं, 11th-12th के लिए नहीं, सबके लिए है. ठीक है, राइट. तो चलिए दोस्तों, हम लोग हमारा आज का सेशन चालू करते हैं. दिस इज न्यूमेरिकल सेशन ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन पार्ट 3. वही कहानी रोज की जुबानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन इक्वेशंस को लिखते हैं जिनके अंदर मुझे या जिनके ऊपर मुझे इन इक्वेशंस ऑफ इन क्वेश्चंस को करना है. लेकिन आज हम लोग फ्री फॉल वाले कंसेप्ट के साथ भी चलेंगे. ठीक है, तो मैं वो इक्वेशंस भी आपके सामने यहां पर लिख दूंगा. ठीक है, चलिए सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है ना, दिस इज ए एंड दिस इज टी. सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. nth सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है u प्लस a बाय टू इंटू टू एन माइनस वन. ये ठीक है, दीज आर द फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन. और अब अगर मैं फ्री फॉल के अंदर इसके लिए बात करूं तो फ्री फॉल वाली सिचुएशन में, फ्री फॉल वाली सिचुएशन में s विल बिकम h एंड जी ए विल बिकम प्लस माइनस का जी. जब ऊपर लेके जाएंगे देन जी इज नेगेटिव, जब नीचे लेके आएंगे देन जी इज पॉजिटिव. ठीक है, दूसरी चीज यहां पर एक चीज और होती है, अगर आप दो चीजों का मोशन कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, राइट. ये कोई ऑब्जेक्ट था, पैराशूट में से इसको फेंका गया, तो जब आप इन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कुछ चीजों को नेगेटिव कंसिडर करके चलोगे. अगर इसका मोशन प्लस जी लोगे तो इसका नीचे आने वाला मोशन नेगेटिव. कारण क्या बताना है मुझे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे, तो इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे हम लोग आज की वीडियो के अंदर. फ्री फॉल की इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी. सेकेंड इक्वेशन थी h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच. ठीक है, राइट. एंड द लास्ट nth सेकेंड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन थी यू
plus minus g by 2 into 2n minus 1. ये इक्वेशन से ठीक है राइट. चलिए इन इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कल मैंने आपको होमवर्क के अंदर दो क्वेश्चन दिए थे. आई होप कि आप लोगों ने उनको ट्राई किया होगा. ठीक है आज के क्वेश्चंस करने के बाद विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस ठीक है इन द वीडियो ओनली. ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स. एक बॉल को ऊपर फेंका गया और थ्रोअर ने उसको कैच किया आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड के बाद. तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम बनना चाहिए. ये ए ऑब्जेक्ट था, इसको ऊपर फेंका गया, इट गोज टू मैक्सिमम हाइट एंड कम्स डाउन. ऐसा करने में इसको 4 सेकेंड लगे ठीक है ऊपर से वापस नीचे आने. ये थी इसकी मैक्सिमम हाइट. इस पॉइंट पे हमें कुछ चीजें पता है. पहली चीज एट मैक्सिमम हाइट यहां पर आप वेलोसिटी को 0 कंसिडर कर सकते हो एंड फाइनल वेलोसिटी इज कंसिडर्ड एज 0 नीचे से ऊपर वाले मोशन के लिए. लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे का मोशन कंसिडर करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो चीज ठीक है. जितना टाइम ऊपर से नीचे जाने का होता है उतना ही टाइम नीचे से ऊपर जाने का भी होता है. तो अगर पूरी जर्नी में 4 सेकेंड लगा है तो आधी जर्नी का 2 सेकेंड हो जाएगा. तो नीचे से ऊपर तक का टाइम 2 सेकेंड. दूसरी चीज ठीक है. हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन. किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया था. तो मुझे सबसे पहले इसका यू कैलकुलेट करना है ठीक है ना. तो मैं यहां पर सबसे पहले गिवन वाली कहानी रोज जैसे हम लोग करते हैं वो ही करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसका गिवन क्या है. गिवन इज इक्वल्स टू सबसे पहले मुझे यू कैलकुलेट करना है ठीक है ना. v है मेरे पास 0 मैक्सिमम हाइट के ऊपर. टाइम लगा है 4 सेकेंड टोटल टाइम. ध्यान रखें दिस इज टोटल टाइम आधी जर्नी का नहीं ठीक है ना. तो मैं इसको पॉइंट दे देता हूं. इसको मान लेते हैं x पॉइंट, इसको मान लेते हैं y पॉइंट और इसको मान लेते हैं वापस z पॉइंट ठीक है. तो अब हम मोशन x से y 2 सेकेंड, y से z 2 सेकेंड. हाउ फार वॉज इट बिलो. चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं देन विल गो विद द सेकेंड पार्ट ठीक है. अच्छा g की वैल्यू नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो g की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है. चलिए फ्रॉम सबसे पहले हम मोशन कंसिडर करते हैं फ्रॉम x से लेके कहां तक का y तक. From x to y का मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं ठीक है ना. x से y तक का मोशन कंसिडर करेंगे ठीक है ना. तो यहां पर u निकालना है, v 0 है, टाइम 2 सेकेंड हो गया. तो यहां पर सबसे पहले मैं t आपके लिए डाल देता हूं, टाइम इज 2 सेकेंड्स ठीक है. सारी चीजें हैं, मुझे इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt ठीक है. नीचे से ऊपर का मोशन है या u प्लस gt ले लो, मैं नेगेटिव साइन g के साथ रख दूंगा. v 0 है, u मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस g की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 9.8 और टाइम है मेरे पास 2 सेकेंड. ये u उधर गया, माइनस का u इज इक्वल्स टू माइनस का 9.8 इंटू 2, 9 से 18, माइनस का 19.6. तो u की वैल्यू आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड. ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू, u की वैल्यू ठीक है. नीचे से ऊपर जाने की वेलोसिटी इज 19.6. अब जब वेलोसिटी को जब इस बॉल को इस स्पीड से फेंका गया तो हमें कैलकुलेट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया. हाउ हाई डिड इट गो, यानी कि मुझे साथ साथ h भी कैलकुलेट करना है. चलिए h कैलकुलेट करते हैं हम लोग ठीक है. हाइट निकालनी है, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ठीक है. v स्क्वायर मतलब 0 माइनस u का स्क्वायर, तो इट इज 19.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू
माइनस का 9.8 इंटू एच, ठीक है, तो यहां से एच आ गया 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट में 9.8. 9.8 इंटू 2 इज 19.6, तो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज 19.6 मीटर, सबसे ज्यादा है, यस, ठीक है. तो हाउ हाई डिड इट गो, खत्म. एंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन, 19.6 मीटर पर सेकेंड. थर्ड केस, हाउ फार वाज इट बिलो, कितनी दूर होगा द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन, जब उसको फेंके हुए 3 सेकेंड हो गए थे, तो मैक्सिमम हाइट से कितनी दूरी पर है. मैक्सिमम हाइट उसने अटेन करी 2 सेकेंड में, तो तीसरे सेकेंड में वो यहां पर कहीं होना चाहिए, पहली चीज तो है ना. दूसरी चीज, ऐसा कंफ्यूजन मत रखना कि वो बिल्कुल मिडिल पे होगा. बेटा मिडिल पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा मेरी स्पीड बदलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहा है, तो हमारी स्पीड बदलेगी. एंड व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, वो तेजी से नीचे आएगा. तो शुरू के 1 सेकेंड में डिस्टेंस कम होगा, बाकी बचे हुए 1 सेकेंड में डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है. तो अब मैं ऊपर से नीचे का मोशन ले रहा हूं, और कितने सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 3 के लिए नहीं लूंगा क्योंकि 2 में तो ऊपर पहुंचा था. 1 सेकंड का ही कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट से कितनी दूर है. तो 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट थी, 1 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है. अच्छा, उस केस में जब आप डाउनफॉल मोशन कंसिडर करो गेज का, तो उस केस में ये ड्रॉप हुआ है ऊपर से, तो यू जीरो हो गया, ठीक है. तो अगेन वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम, अब हम आ रहे हैं कहां से, y से लेके z तक. अब कहां से कहां तक आ रहा हूं मैं, y से लेके z तक. y से लेके z के लिए u जीरो है, टाइम 1 सेकेंड है, और इस बार g पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं डाउनवर्ड मोशन कर रहा हूं. तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू 0 × 1 प्लस हाफ इंटू जी, दैट इज वॉट 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर. तो s इज इक्वल्स टू 4.9 मीटर, तो वो मैक्सिमम हाइट से 4.9 मीटर नीचे आ जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस है 19.6, 1 सेकेंड में उसने 4.9 किया, रेस्ट उसने 14 मीटर बचे हुए 1 सेकेंड में किया होगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट. तो आप एक उसकी रूपरेखा बना लो, रूपरेखा मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम. आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है, बहुत आसान है, देखो करना यार, है ना, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड वन, बहुत अच्छा है ना. क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझोगे ना मजा आएगा. देखो डरना नहीं है, है ना, डरोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा. अब जब हमने सोच लिया कि साइंस मैथ्स लेनी है, जब हमने सोच लिया कि फिजिक्स करनी है, मैथ्स करनी है, तो डरो नहीं न्यूमेरिकल से, ठीक है, डर को निकाल दो, है ना. डर कैसे निकल सकता है, सोचो मुझे आता है, कब आएगा, व्हेन वी डू प्रैक्टिस, ठीक है. चलो आगे चलते हैं, है ना. अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडिली एट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. एक हेलीकॉप्टर था, सपोज करो यहां एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, राइट, दिस इज हेलीकॉप्टर हम डिजाइन करते हैं, और ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, इट इज गोइंग लाइक, और चलते चलते पैकेट ड्रॉप किया. तो पहली चीज, आप एक चीज मान के चलो, व्हेन इट इज इन मोशन और कोई चीज ड्रॉप हुई, तो उस ड्रॉप होने वाले की स्पीड और इसकी स्पीड एक ही होगी. तो यानी कि इसने जो यहां से फूड पैकेट ड्रॉप आउट किया है, उस फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, मैं ये जानता, ठीक है. इसका मोशन अपवर्ड है, इसका मोशन डाउनवर्ड है, ठीक है. तो इसीलिए इस फूड पैकेट का जी नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है ना. इज दैट क्लियर. चलिए
ये एरोप्लेन 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद, अगर 2 सेकेंड बाद में देखूं तो ये फूड पैकेट ये यहां कहीं यहां आ गया होगा, कितने 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद ये फूड पैकेट की कंडीशन यहां है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट 2 सेकेंड बाद, उस पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं फूड पैकेट, अभी मैं सब चीज फूड पैकेट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, फूड पैकेट, ठीक है। फूड पैकेट के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम मैं कंसिडर कर सकता हूं उसका, मेरे को 2 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है कि भाई 2 सेकेंड बाद वो कहां था, तो टाइम इज 2 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -9.8, माइनस लेने का सिर्फ एक ही कारण कि ये इसके अगेंस्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। मुझे निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी इंटू टी, नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट मोशन को डिनोट करेगा, तो v इज इक्वल्स टू u इज टू प्लस माइनस का 9.8, टाइम है मेरे पास 2, तो ये आ गया 19.6, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 17.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, राइट, माइनस का 17.6 मीटर पर सेकेंड। दिस नेगेटिव साइन डिनोट्स अपोजिट मोशन, ठीक है, पहली चीज कैलकुलेट हो गई। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट एट दिस पॉइंट, तो एट दिस पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज, मैं यहां लिख देता हूं, v इज इक्वल्स टू 17.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, हाउ फार इज इट बिलो हेलीकॉप्टर, अब ये हेलीकॉप्टर से कितना नीचे आ गया। तो भाई मेरा मानना कुछ हम ऐसे बोलेंगे, भाई हेलीकॉप्टर यहां था, 2 सेकेंड में इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम वो निकाल लेते, चलो ये डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी समवॉट दिस डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए विल यूज कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, विल यूज फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, एच इज इक्वल्स टू यू है मेरे पास कितना 2, टाइम भी है मेरे पास 2 सेकेंड प्लस हाफ जी है मेरे पास माइनस का 9.8 और टी स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 4, 8 2 से 8 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 17 19.6, तो हाइट आ गई मेरे पास माइनस का 15.6। दिस माइनस 15.6 डिनोट्स के एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में ये 15.6 मीटर नीचे आ गया, ठीक है। तो दिस हाइट इज व्हाट 15.6, लेकिन मैंने क्वेश्चन में यहां एक चीज बोली थी, राइजिंग स्टेडिली एट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, जब ये ऊपर जा रहा था तो भाई 2 सेकेंड बाद इस एरोप्लेन की पोजीशन समवट यह होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यानी कि ये इतना ऊंचा और चला गया, तो अब तो टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक होनी चाहिए, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि ये 2 सेकंड में कितना गया। इक्वेशन लगाऊं या फिर मैं बोलूं, इसने बोला है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ये इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन खत्म हो गया, तो यानी कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देख लेते हैं। डिस्टेंस बाय प्लेन, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है मेरे पास 2, टाइम है मेरे पास 2, तो टोटल उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो ये हो गया 4 मीटर।
और अब टोटल, तो हाउ फार, तो ये हो गया टोटल इज इक्वल्स टू 15.6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर, 19.6 मीटर नीचे आ गया, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए 19.6 मीटर उससे नीचे है। तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे पता है ना। चलो अगला देखते हैं, ठीक है, अगला और एक और अच्छा इसी तरीके का। अ पैराशूटर्स बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। क्वेश्चन की परिभाषा को समझो, क्वेश्चन को समझो, यहां बहुत सारी चीजें बदली। उसने बोला एक पैराशूटिस्ट बेल्स आउट हुआ, गिरा एक एरोप्लेन से, वो एरोप्लेन मूवमेंट नहीं कर रहा ऐसा उसने बोल दिया। यहां कहीं लिखा हुआ ही नहीं है दैट एरोप्लेन इज मूविंग एट अ और ऊपर जा रहा है या कुछ कर रहा है, भाई वो तो यूं ही है, ठीक है, राइट, इस तरीके से। और उसमें से वो बेल्स आउट हुआ है, यानी कि मैं कंसिडर कर सकता हूं कि इफ दिस इज अ एरोप्लेन यहां से एक पैराशूट में एक पर्सन बेल्स आउट हुआ, पहली चीज, तो इसके लिए बेल्स आउट होने के लिए यू कितना हो गया 0। वो 40 मीटर तक ड्रॉप हुआ, सपोज करो दिस इज 40 मीटर, वो यहां तक ड्रॉप होता है और उसके बाद उसका पैराशूट खुल जाता है, उसका ऐसा कहना है, ठीक है, यहां तक गिरा 40 मीटर तक और उसके बाद उसका पैराशूट खुल गया। ही ओपन्स द पैराशूट एंड डी एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो नीचे आ रहा है और उसका डी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यहां ये ग्राउंड था और ये पैराशूटिस्ट इस पॉइंट पे पहुंचा और उस समय इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, सो इट्स फाइनल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट, ठीक है। मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता जब ड्रॉप होने के बाद 40 मीटर आया। हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, कितने लंबे समय तक वो एयर में रहा। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, और प्लेन से उसकी टोटल हाइट कितनी थी। तो सबसे पहले मैं यहां से यहां तक की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। चलो तो यहां पर सबसे पहले यू इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 40 मीटर। अच्छा सबसे बड़ी बात, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, ठीक है, मेरे को वी कैलकुलेट करना है पहली चीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। चलिए अब हम इसमें सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, चलिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, अच्छा इंस्टेड ऑफ दिस 40 मीटर है, टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं, चलो पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। अगर u 0 है पर s है 40, तो ये हुआ ut 0 प्लस हाफ g है मेरे पास 9.8 और टाइम स्क्वायर मुझे निकालना है, तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 9.8, ठीक है, पॉइंट हटा इट इज 800। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 की टेबल में, 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं 2 की टेबल में, तो ये हुआ 400/49, ठीक है, राइट, इसका स्क्वायर रूट करता हूं तो 400 का स्क्वायर रूट हुआ 20/7, सिंपल,
तो 7 1 7 2 14 पॉइंट, ठीक है, 6 बचा 16, 7 8 56, ठीक है, 4 बचा 40 और 7 7 5 35, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये आ गया 2.86 सेकेंड्स, राउंड ऑफ करेंगे तो यानी कि यहां से यहां तक का उसका टाइम था जब पैराशूट खुला तो उसको 2.86 सेकेंड लगे थे, ठीक है। हाउ मच टाइम इट टुक, 2.86 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। अब ये 40 मीटर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी होगी मेरे पास v निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर कितना मुझे निकालना है, 2 × 9.8 × 40, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 98 × 4, ठीक है। तो ये आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो 42 का स्क्वायर रूट 2 बाहर, चलो इसको हटा देते हैं और इसको पूरे को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। 1 4 का 2 बाहर, 98 इज 49 × 2, तो एक और 2 बाहर और एक 7 बाहर, तो 7 4 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस पॉइंट पर उसकी स्पीड थी 28 मीटर पर सेकेंड। अब वो 28 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड पर पहुंचा, तो एक केस खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं आफ्टर 40 मीटर, आफ्टर 40 मीटर, ठीक है। मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम इज वी माइनस यू अपॉन ए, वी है मेरे पास 2, यू है मेरे पास 28 अपॉन ए, ए है मेरे पास माइनस का 2, ठीक है। तो ये हुआ टी इज इक्वल टू माइनस का 26 ऑब्लिक माइनस का 2, तो टाइम आ गया 13 सेकेंड्स। तो उसको ऊपर से नीचे आने में, यहां से यहां तक आने में 13 सेकेंड्स लगे, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कितना हो गया, 15.86। दिस इज हाउ, तो व्हाट हाउ लॉन्ग इज इट इन एयर, तो 15.6 मीटर ही इज इन एयर, तो हम 15.6 मीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना था कि भाई वो किस वेलोसिटी से, कितनी हाइट वो नीचे आया, मतलब यहां से लेके ये 40 मीटर है, मुझे यहां से लेके यहां तक की उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली हम हाइट कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, आइदर वी यूज थर्ड इक्वेशन और वी कैन यूज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, राइट। उन दोनों को निकालने के बाद अगर हम देखें तो हमारी हाइट निकलेगी यहां पर टोटल ये 195 मीटर। आइदर वी यूज सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन टू कैलकुलेट द हाइट, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ओवरऑल 235, टोटल टाइम 15.8 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपको पकड़ना है कि भाई वो एक्चुअली, अब देखो एक चीज, मैंने यहां पर जी कहीं भी नेगेटिव नहीं डाला, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन पुराना केस जो बिल्कुल ऐसा था वहां पर जी भी नेगेटिव था और वेलोसिटी भी नेगेटिव थी, दो कारण थे, ये ऊपर जा रहा था वो नीचे आ रहा था, लेकिन ये यहां स्टेबल बोला मैंने और ये नीचे आ रहा है, तो अब इसका ओवरऑल मोशन नीचे कंसिडर किया, इसके रिस्पेक्ट में नहीं लिया, इसीलिए है ना, तो ये चीजें बदल रही है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑल्सो गुड वन। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। दो बॉल्स एक साथ फेंकी गई, एक बॉल ये थी ए, इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड एंड अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ मोशन। और एक बॉल बी थी जो इसके बिल्कुल ऊपर से, दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर थी, फेंकी गई, ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी, तो इसका भी यू कितना हो गया, ठीक है, विद द सेम स्पीड एंड ऑन द सेम लाइन ऑफ मोशन, एट व्हाट पॉइंट डू द टू बॉल्स कोलाइड, किस पॉइंट पे मिलेगी।
तो सपोज करो दिस इज द लाइन ऑफ जॉइनिंग, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ए वाली बॉल ने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और बी वाली बॉल ने इतना, तो मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस ट्रेवल है एक्स और ये बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल है कितना 40 माइनस एक्स, ठीक है राइट। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दोनों का टोटल डिस्टेंस इज 40 मुझे पता है, ठीक है। तो नाउ फॉर ए, फॉर ए है ना u 20 है, g नेगेटिव लेंगे और b के लिए पॉजिटिव। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है इक्वेशन, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s है मेरे पास x, u है मेरे पास 20, टाइम मेरे पास नहीं है गलती से, प्लस हाफ इंटू माइनस का 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव कैंसिल, 4.9 बचा, तो x इज इक्वल टू 20t माइनस 4.9t स्क्वायर पहले, ठीक है। अब मैं b वाली बॉल के लिए लेता हूं, ठीक है ना, फॉर b दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो नाउ फॉर b, b वाली बॉल के लिए, B वाली बॉल के लिए अगेन u 20 है, डिस्टेंस विल बी 40 माइनस x, g पॉजिटिव होगा, तो s इज इक्वल्स टू सो 40 माइनस x इज इक्वल्स टू ut, तो दैट इज आल्सो 20 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगेन वही 4.9 t स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस x में ये वाली वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। तो ये आ गया 40 माइनस, ये वैल्यू डालेंगे तो ये है 20t माइनस 4.9 t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20t प्लस 4.9 t स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, देखिए 40 माइनस 20t, एक चीज माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4.9 t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20t प्लस 4.9 t स्क्वायर, 4.9 t स्क्वायर से 4.9 t स्क्वायर कैंसिल, ये 20t तो जाके प्लस का हो गया, तो 40 इज इक्वल्स टू 40, तो यहां से t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, तो आफ्टर 1 सेकेंड बोथ द बॉल विल कोलाइड। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए x इज इक्वल टू 20t माइनस 4.9 t स्क्वायर, t की जगह 1 पुट करते हैं, सो x इज इक्वल टू 20 माइनस 4.9, तो x आ गया 15.1 मीटर। तो आफ्टर 15.1 मीटर नीचे से, ठीक है ना, ये 15.1 मीटर नीचे से और ऊपर से 40 में से 15.1 माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा 24.9, ठीक है। तो 24.9 बी वाली बॉल चली और ए वाली बॉल 15.1 मीटर। आप इससे एनालाइज कर सकते हो कि ऊपर से नीचे आते समय स्पीड तेज होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस था 24.9 और ये 15.1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दिस इज ऑल्सो नाइस वन, छोटा सा है। A stone falls from a cliff and traveled 24.1 meter in the last second. एक stone है, एक cliff से fall हुआ, fall हो रहा है. It means u is equal to 0. ठीक है? और उसने 24.5 meter distance traveled किया last second में. ये word को पकड़ो. तो यानी कि suppose करो ये ground था, तो इसने आखिरी 1 सेकेंड के अंदर 24.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना, 24.5 मीटर, दिस इज इन 1 सेकेंड, आखिरी सेकेंड, मुझे नहीं पता टाइम कितना है, मैंने बोला आखिरी सेकेंड में, ठीक है राइट। तो अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि आखिरी सेकेंड कौन सा सेकेंड था, तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि मुझे nth सेकेंड का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। रीचेज द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ, वॉट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, तो आपको यह हाइट निकालना,
तो सबसे पहले nth सेकंड का कंसेप्ट लगाओ. एस एन ए इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू या जी बाय टू इंटू टू एन माइनस वन. मुझे नहीं पता कि आखिरी सेकंड कौन सा था, मेरे को पता है कि आखिरी सेकंड में डिस्टेंस कितना था. तो 24.5 यू है मेरा जीरो क्योंकि वो ड्रॉप किया गया है, प्लस 9.8 इज पॉजिटिव नीचे का मोशन है, और 2n माइनस वन. अभी मैं पता कर लेता हूं कि कितना आखिरी सेकंड कौन सा था. दिस इज 4.9, तो 24.5 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल्स टू 2n माइनस वन. ये एक बार, 4 5 20, तो पांच बार ये हो गया. 6 इज इक्वल्स टू 2n, तो n इज इक्वल्स टू 3, यानी कि तीसरा सेकंड आखिरी सेकंड. तो यानी कि इसकी जो टोटल जर्नी है ऊपर से नीचे तक की वो 3 सेकंड की. अब मैं कैलकुलेट कर लू इसने 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. देखो कितना आसान हो गया, कुछ गिवन नहीं है इसमें लेकिन सब कुछ बोला गया है. ठीक है, सो एस इज इक्वल टू यू टी, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी कितना है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर. ठीक है, सो एस इज इक्वल टू 4.9 इंटू 9. ठीक है, तो s इज इक्वल टू 9 9 81, 8 कैरी, 9 4 36 और 8 44, 44.1 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमारे आज के वाले क्वेश्चन खत्म. ये कल का प्रॉब्लम क्वेश्चन था जो हमें आज सॉल्व करना है. ठीक है, अब बकलर्स कार हैड अ स्टार्ट, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कि ये बकलर्स कार है, ये चोरों की कार थी, रेस्ट से स्टार्ट ये लाइन ऑफ मोशन था, यू जीरो है, इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्टार्ट. अब पुलिस विजिलेंस पार्टी केम आफ्टर 5 सेकंड्स, एक पुलिस विजिलेंस पार्टी 5 सेकंड बाद आई. ठीक है ना, 5 सेकंड बाद, सिर्फ 5 सेकंड बाद, है ना, टू चेज द कार विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. तो ये एक पुलिस विजिलेंस पार्टी है. ठीक है, इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, लेकिन ये 5 सेकंड बाद है और इसने इस चोर को पकड़ा इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट, यानी कि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है. ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, लेकिन ये 5 सेकंड बाद, ये 5 सेकंड पहले. तो यानी कि अगर पुलिस वाले को यहां से यहां तक चलने में टी सेकंड लगा तो इसको 5 सेकंड ज्यादा लगे थे. ठीक है, तो यानी कि टाइम टेकन बाय बगलर इज 5 सेकेंड मोर देन पुलिस. ठीक है ना, टू रीच द सेम डिस्टेंस, टू रीच द सेम डिस्टेंस. ठीक है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे पहुंचने में उसको 5 सेकेंड ज्यादा लगे. तो पुलिस टाइम कितना ले लेता हूं मैं, टी सेकेंड. तो बकलर्स का टाइम कितना होगा, टी प्लस 5 सेकेंड. अब देखो एक चीज तो फिक्स है कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यानी कि पुलिस ने टी सेकेंड में कितना किया और बकलर ने टी प्लस 5 में कितना किया वो निकाल देता हूं. ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है पुलिस की, तो यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0. तो फॉर पुलिस, ठीक है ना, पुलिस का केस कंसीडर कर रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो इस डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड है 20, टाइम है टी, तो इसका डिस्टेंस आ गया 20 टी. दूसरी चीज, अब वही डिस्टेंस सेम चोर ने कितनी देर में कवर किया है, टी प्लस 5, तो यहां बगलर्स
t plus 5 seconds लेके चलते हैं हम लोग, तो s is equals to u, स्टॉप से चालू हुआ था 0 इंटू टी प्लस 5 प्लस हाफ, एसेलरेशन है उसका 2 इंटू टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये मेरे पास s आ गया बगलर्स का टी प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जीरो तो इनिशियल वेलोसिटी थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस ऑफ पोलिस एंड डिस्टेंस ऑफ बगलर शुड बी सेम, आपको दोनों को इक्वल, तो ये हो गया 20t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25, कहानी तो वही हो गई वापस से घूम के, पहले प्लस का होल स्क्वायर था माइनस का हो गया, तो टी माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। ठीक है, तो उसको 5 सेकेंड्स लगे वहां तक, तो फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस के बॉय ने ओवरटेक्स द बगलर 5 सेकेंड्स बाद, तो 5 सेकेंड बाद मतलब बगलर चला 10 सेकेंड, पुलिस वाले चले 5 सेकेंड, मतलब गाड़ी चलते उसको पकड़ लिया गया। ठीक है, चोर ज्यादा होशियार नहीं निकला। चलिए, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो हमारा कल का एक प्रॉब्लम क्वेश्चन था, मैं आपको इसका फिगर आउट करता हूं, आप सॉल्व करके देखें। अ बॉल थ्रोन अप इज कॉल्ड बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स, हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वॉज इट थ्रोन। ओके, आई थिंक दिस इज डन, सॉरी दिस इज डन, ओके दिस इज डन, है ना, दिस इज ऑलरेडी डन। ठीक है, चलिए, तो गाइस ये हुआ हम लोगों का यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेशन खत्म। ठीक है, हम कुछ और नए न्यूमेरिकल्स के साथ लाएंगे, लेकिन वो कंसेप्ट अलग होगा, जहां पर हम कुछ नए न्यूमेरिकल्स लेके आने वाले हैं, वो प्रीवियस ईयर्स आईआईटी में पूछे गए, नीट में पूछे गए, या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, अलॉन्ग विद एमसीक्यू सेशंस के साथ हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, हमारा अगला वीडियो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो गाइस जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।